नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। मुंबई करों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने मुंबई की हार्बर लाइन पर आज यानी बुधवार 1 दिसंबर से मुंबई एसी लोकल ट्रेन सेवा शुरू कर दी है। इस लाइन पर रेलवे रोज 12 एसी लोकल ट्रेन सेवा चलाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने अपने मुख्यालय से इस बात की भी अनुमति मांगी है कि द्वितीय और प्रथम श्रेणी के टिकट रखने वाले लोगों को एसी लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति मिल सके। इसके अलावा वे हार्बर लाइन पर एसी लोकल ट्रेनों को लेकर यात्रियों के इंटरेस्ट और रिस्पांस की जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्टाफ भी तैनात करें। फिलहाल करीब 12,000 यात्री मेल और ट्रांस हार्बर लाइनों पर चलने वाली एसी लोकल का उपयोग कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे इन दो मार्गों पर 26 सेवाएं चला रहा है। वहीं मुंबई में एसी लोकल ट्रेन का किराया कम करने को लेकर भी विचार जारी है। रेलवे बोर्ड की जल्द ही किराए की कीमतों में कमी करने और अधिक सुविधाएं शुरू करने की संभावना है। एसी लोकल को लोकप्रिय और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे ने इससे पहले सर्वे भी किया। इसमें यात्रियों की राय के अलावा एसी लोकल की किराए संरचना में सुधार और एसी लोकल का किराया प्रथम श्रेणी के कितना प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए इसे लेकर भी सुझाव मांगा गया था। रिपोर्ट के अनुसार 1 दिसंबर से सेंट्रल रेलवे के यात्रियों की स्थिति की निगरानी के लिए सीएसएमटी पनवेल हार्बर लाइन पर स्टेशनों पर कुछ कर्मचारियों को भी रेलवे तैनात करेगा। इससे उन्हें मांग का आकलन करने में मदद मिलेगी। वे हार्बर लाइन पर 1 दिसंबर से 12 एसी लोकल ट्रेन सेवाएं ऑपरेट की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली एसी लोकल ट्रेन वासी स्टेशन से सीएसएमटी के लिए 4:25 पर निकलेगी, जिसके बाद 11 अन्य सेवाएं सीएसएमटी पनवेल कॉरिडोर पर संचालित की जा रही। इस लाइन पर लास्ट एसी लोकल सीएसएमटी से रात 8 बजे रवाना होगी। रविवार और छुट्टियों पर एसी लोकल को नियमित ट्रेन से बदल दिया जाएगा। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।